सत्यमेव लाइव, पूरी खबर सच के साथ। लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म पर क्यों भड़के भीष्म पितामह? अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब विवादों में घिर गई है। कभी इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर विवाद होता है तो कभी फिल्म के टाइटल पर। करनी सीना से लेकर महाभारत में भीष्म पितामह की भूमिका से मशहूर हुए फिल्म अभिनेता मुकेश खन्ना भी फिल्म के नाम से भड़के हुए हैं। लक्ष्मी बॉम्ब के नाम से सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चा हो रही है, इस पर एक बहस छिड़ी हुई है। लेकिन याद रखना होगा, इस चर्चा से आखिर में फिल्म के प्रमोशन में ही फायदा मिलता है। फिल्म अभिनेता मुकेश खन्ना ने फिल्म की जो कड़ी आलोचना की और सोशल मीडिया पर जो लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, उससे फिल्म निर्माताओं के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गई। सोशल मीडिया पर इस फिल्म के टाइटल को लेकर विवाद बढ़ता देखकर आखिरकार निर्माताओं को फिल्म का नाम बदलना ही पड़ गया। अब इस फिल्म के टाइटल से बॉम्ब शब्द को हटा दिया गया और इस फिल्म का नाम लक्ष्मी रखा गया है, जिसे 9 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म के डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा। विवाद की जड़ में फिल्म का टाइटल लक्ष्मी बॉम्ब है, जो लोगों की नजर में माँ लक्ष्मी को लेकर काफी अपमानजनक शब्द है। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक अलग अंदाज में नजर आएंगे। शायद अपने फिल्मी करियर में पहली बार अक्षय कुमार एक किन्नर के किरदार में दिखेंगे। ये फिल्म साल 2011 में आई तमिल फिल्म कंचना का रीमेक है। अब ये देखना होगा कि इस फिल्म में पहली बार निभाए गए किन्नर के किरदार में अक्षय कुमार को दर्शक कितना पसंद करते हैं। दीपिका चांद की रिपोर्ट सत्यमेव लाइव के लिए।